हम एक बहुत बड़ा भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 तारीख को शुरू करने वाले हैं और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर इम्फाल से शुरू होगी और नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश होते हुए ये देश के 15 राज्यों से जुड़ जाएगी। ऐसा गुजरते मुंबई तक हम पहुंच जाएंगे। 110 जिलों से होते हुए ये यात्रा 100 लोकसभा सीटें और 337 विधानसभा सीटें कवर करेगी। करीब 6,700 किलोमीटर दूरी तय करके ये यात्रा मुंबई में समाप्त होगी। जयराम रमेश जी ने यात्रा के बारे में विस्तार से हमारे पदाधिकारियों की मीटिंग ली है, सबको ये सारे चीज़ें बताए हैं, कहाँ कहाँ किस वक्त हमारे मीटिंग्स होंगे और हम किस किस जगह पब्लिक मीटिंग करेंगे, इसका सारा विवरण वो देंगे और वो अपने जितने भी स्टेट से गुजरता है उनको भी बुला के उन्होंने मीटिंग ली है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों विषयों देश के बुनियादी मुद्दों पर हम ये यात्रा निकाल रहे हैं। दूसरी चीज, ये हम क्यों जा रहे हैं लोगों को बताने के लिए कि कोई रास्ता नहीं। हमने पार्लियामेंट में अपनी बात रखने की कोशिश की, पार्लियामेंट में इन मुद्दों को उठाने की कोशिश की, लेकिन वहां पर सरकार ने हमको मौका नहीं दिया। और मजे की बात यह है भाई, कोई आदमी साइलेंट बैठ रहा है उसको भी सस्पेंड, जो उठ के खड़ा है उसको भी सस्पेंड, जो कुर्सी पे बैठा है उसको भी सस्पेंड, यानी 146 लोगों को निलंबित किया गया। इस देश के इतिहास में यह पहली बार है कि इतने लोगों को सस्पेंड करना और इतने लोगों की बात नहीं सुनना और 26 पार्टियां, 28 पार्टियां मिलके जो बात हम रखना चाहते थे उसको कोई मौका नहीं मिला। और इसके लिए तो प्रधानमंत्री भी उधर आए नहीं हमारे पास, कम से कम पार्लियामेंट में झांक के तो देखे उन्होंने, लेकिन मेरे राज्यसभा में झांके भी नहीं। हालांकि दोनों जोड़ के ही है, तो क्या नफरत है मालूम नहीं हमसे, लेकिन उन्होंने इसके बारे में सरकार कोई अपनी गहरी चिंता व्यक्त भी नहीं की और जाने वाले जाने दो, सस्पेंड करो, उन्होंने कर दिया और सेशन खत्म हो गया। इसीलिए अब हम लोगों को ये बताने भी जा रहे हैं और जो एनजीओस है, जर्नलिस्ट है, किसान है, छोटे मोटे व्यापारी है, दलित है और पिछड़े हुए वर्ग के लोग हैं और इंटेलेक्चुअल्स है और जो ट्राइबल सेक्शन, ये सब लोग जुड़ जाते हैं रास्ते में और मिलते हैं। एक एक पॉइंट पे हमारी जो स्पीच होगी, जो बात होगी, वहाँ भी हम बताएंगे
और लोगों की तकलीफ भी सुनेंगे, क्योंकि सिर्फ ये हमारी बात कहने के लिए नहीं, दूसरों की बात सुनने के लिए भी ये प्लेटफॉर्म यूज किया जाएगा।